बात उपचुनाव की करेंगे। डुबरी उपचुनाव के चुनावी दंगल में प्रचार प्रसार ने पूरा जोर पकड़ लिया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी को जिताने का जिम्मा उठाया है सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। आज लगातार दूसरे दिन सीएम चुनावी सभा करेंगे। 3 सितंबर तक उनकी लगातार सभाएं हैं। उनके अलावा कांग्रेस जेएमएम आरजेडी समेत इंडिया गठबंधन के नेता भी डुमरी में दम लगा रहे हैं। वहीं विपक्ष की बात करें तो आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी के लिए आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो समेत एनडीए के नेता मैदान में हैं। दोनों गठबंधनों की तरफ से चुनावी वादे दावे और जुबानी जंग जारी है। ये कौन सा मुद्दा है? हिंदू मुस्लिम करने से नौकरी मिलेगा क्या? हिंदू मुस्लिम करने से क्या पेट भरेगा क्या? हिंदू मुस्लिम करने से महंगाई घटेगा क्या? अजीब हालत, ऐसा वातावरण कर दिया है इन लोगों ने पूरे देश। वो तो आप लोग का आशीर्वाद है कि 2019 में जो डबल वन की सरकार उसको उखाड़ फेंकने का काम किया है और झारखंडियों की सरकार बनाने का काम किया। 2019 से पहले देखिए कितना यहां पर मॉब लिंचिंग होता था। हर दूसरे तीसरे दिन कहीं कहीं मुसलमान को जला दिया जाता था, मार दिया जाता था भीड़ के द्वारा। गोहत्या के नाम पर कई आदिवासी दलितों को रस्सी बांध करके घसीटा जाता था। लेकिन 2019 के बाद झारखंड में ऐसी घटनाएं आपको देखने को नहीं मिले। आज ये समझ चैन के साथ हम जी रहे हैं। यही इज्जत है जिस देश में, जिस राज्य में, जिस प्रखंड में, जिस गांव में लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं वहां इनका राजनीति रोटी नहीं बनता। जिस राज्य में लोग आपस में झगड़ा करते हैं वही इनका राजनीति रोटी बनता है। इसीलिए आप लोग को सचेत और ध्यान रखने के लिए हम लोग ये कहने आए हैं। आज ये चुनाव हम लोग बहुत ही दुखी मन से इस चुनाव को देख रहे हैं। नहीं तो हम लोग एक साल और बाद पूरा 5 साल करने के बाद ये चुनाव देखते। आज हमारे बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी काफी वक्ताओं है, उनके विषय में कहा। मैंने तो उनको बिहार के मूल वासी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।